आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। रामायण जैसे दमदार सब्जेक्ट पर बनने वाली आदि पुरुष ने कल अपने 11 दिन कंप्लीट करके आज 12वें दिन में एंट्री मान ली है और लगातार नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव रिव्यू से क्रिटिसाइज होकर आदि पुरुष फ्लॉप होते नजर आ रही है दिन पर दिन। और इंडिया की एक भारी भरकम बजट में बनने वाली फिल्म आदि पुरुष बॉक्स ऑफिस के मामले में रोज कमाई करते नजर नहीं आ रही जैसी इसको करनी चाहिए थी। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, मूवी अपना बजट 650 करोड़ कवर कर पाएगी या नहीं, पहले दिन कितना कमाया, मूवी हिट है या फ्लॉप, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, सब जानेंगे उसको कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी आदि पुरुष से रिलेटेड अपडेट लगातार चाहते हैं और प्रभास के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों आदि पुरुष में भयंकर पीक डाउन देखने को मिल रहा है रोज। प्रोडक्शन हाउस इस हद तक मजबूर हो गया है कि अब टिकट के प्राइस 122 रुपए तक कर दिए हैं। दोस्तों इतने बड़े बजट में बनने वाली फिल्म आज उसे अपना एग्जिस्टेंस करने में इतनी बड़ी नाकामी मिल रही है और मूवी हिट होने के लिए जैसे तैसे लगातार सर्वाइव कर रही है। दोस्तों पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के लीड में बनने वाली आदि पुरुष जिसको ओम रावत ने डायरेक्शन दिया है और लगभग 650 करोड़ के टोटल खर्चे में बनने वाली इस फिल्म ने अपना फर्स्ट वीक जैसे तैसे कंप्लीट कर लिया और आज 12वें दिन में एंट्री मान ली है। दोस्तों अपने पहले 3 दिन तक बहुत मोटी कमाई करी थी मूवी ने, पर अपने पहले दिन से ही नेगेटिव रिव्यू नेगेटिव रिएक्शन के साथ मूवी हर दिन स्लो डाउन का आंकड़ा शो करते नजर आए। दोस्तों मूवी का कंटेंट रामायण से प्रेरित होकर कुछ एक चेंजेस करके सजाया गया था जो कि जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो इसलिए भी क्योंकि रामायण के साथ लोग सीधी सच्ची श्रद्धा जुड़ी हुई होती है, प्रभु श्री राम का नाम सच्चाई व अच्छाई का प्रतीक शो करते हैं और उनके नाम उनकी जीवनी के साथ छेड़छाड़ करना ये जनता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों बात अगर कास्ट की करें तो प्रभास एज राघव श्री राम, कृति सनन एज जानकी, सनी सिंह एज लक्ष्मण, देवदत्त नागे एज हनुमान और मेन विलेन लंकेश के रूप में आपको सैफ अली खान को दिखाया गया है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों ओपनिंग का सॉलिड तरीके से करते नजर आई थी मूवी। इसी के साथ इस साल की जायंट मूवी पठान के ओपनिंग डे के कलेक्शन को भी खदेड़ा था और अपने पहले हफ्ते के कलेक्शन से एसआरके, सलमान खान की सुपर डुपर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस और किक जैसी फिल्म को खदेड़ दिया था। साथ ही खुद प्रभास की फिल्म साहो को भी अब कमाई के मामले में पीछे कर चुकी थी ये फिल्म। जी हाँ दोस्तों अपने पहले दिन ऑल ओवर वर्ल्ड से लगभग 140 करोड़ से ऊपर का जबरदस्त आंकड़ा खाते में रखा था। इसी के साथ पहले 3 दिन में लगभग 340 करोड़ का बिग कलेक्शन हुए, सभी के होश उड़ा दिए थे। लेकिन चौथे, पांचवें, छठे और सातवें दिन तक पहला हफ्ता कंप्लीट करते हुए कमाई का आंकड़ा लगातार गिरता नजर आया जो कि एक ह्यूज डाउनफॉल के ब्रेकडाउन के साथ बहुत ही स्ट्रांग नेगेटिव रिएक्शन मिला मूवी को। नौबत ऐसी आ गई कि एक बार के लिए अब पूरी दुनिया से 20 करोड़ के ऊपर कलेक्शन जाता भी नहीं दिख रहा है और अपने पहले हफ्ते तक कमाई लगभग 420 करोड़ के आसपास करने में सफल हो पाई थी फिल्म, जो कि प्रभास के स्टारडम के लिए बहुत अच्छा नंबर नहीं है। इसी के साथ अपने 8वें दिन भी आंकड़ा स्लो डाउन ही देखने को मिला और अपने दूसरे हफ्ते की शुरुआत में भी निराशा ही हाथ लगी मेकर्स को और 8वें दिन तक मात्र 7.5 करोड़ की कमाई करी थी। 9वें दिन में 9 करोड़ तक के आंकड़े को छूने में सफल रही थी और 10वें दिन में भी लगभग 4 करोड़ के आसपास ही आंकड़ा जाता दिखा था। इसी के साथ दोस्तों दूसरे हफ्ते की एवरेज शुरुआत करते हुए पहले 10 दिन तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरी दुनिया से लगभग 450 करोड़ के आसपास हो चुका था। इसी के साथ लगातार निगेटिव रिव्यू के साथ कल यानी अपने 11वें दिन में भी लगभग 4.5 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम किया। बात करें आज यानी 12वें दिन की तो दोस्तों आज भी कोई अच्छी कमाई करते नजर नहीं आ रही है मूवी, अपने एंड ऑफ द डे तक साइड से साइड 4 से 4.5 करोड़ के बीच में आंकड़ा टच करने में सफल हो पाएगी फिल्म और एंड ऑफ द डे तक पूरी दुनिया से टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 460 करोड़ के ऊपर सेट कर देगी। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है मूवी बिल्कुल फ्लॉप है या अभी भी हिट हो सकती है, आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। दूसरा अगर आप लोगों ने भी मूवी को देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।